नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम इनका हैंड एनालिसिस करते हैं। पहले सबसे मैं बताना चाहूँगी हैंड एनालिसिस की जो मेरी फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है और अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 9120101561। अपॉइंटमेंट जो फ़ीस है वो आप लोग पेटीएम कर सकते हो या फिर गूगल पे कर सकते हो, फ़ोनपे कर सकते हो या फिर बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, जा करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए विषय आज का स्टार्ट करती हूँ। जल्दी से जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, और जो लोग भी हाथ का वीडियो चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है हाथ का अगर वीडियो चाहते हैं तो हैंड एनालिसिस वीडियो के जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपये है। यहाँ पर फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, ये मैं पहले इस वीडियो पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। चलिए विषय स्टार्ट करती हूँ। इनका आज का क्वेश्चन है, ये जो जातक हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इंदौर से। इनका क्वेश्चन है कि जो है इनका कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, और अब मैडम जी मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हुआ है, मेरे ऐसे प्लैनेट क्या हैं हथेली पर, पूरा विश्लेषण करके मुझे बताइए। चलिए इनकी हथेली विश्लेषण करते हैं, देखते हैं किस वजह से इनकी कंपनी डूब गई है, क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे यहाँ पर मैं इनकी हथेली पर, यहाँ पर हथेली का जो साइज़ देख रही हूँ, हथेली इनकी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ पे शुक्र का जो माउंट है वो काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। ठीक है, ऐसे जातक को जो है काफ़ी ज़्यादा कभी भी जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। इनको स्टार्टिंग से ही अपने जीवन पर सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है, पहले से ही डेवलप, ऐसे लोगों को पहले से ही अपने बाप दादा का बिजनेस इनको मिलता है। और ऐसे जातकों को केवल अब्रॉड से भी पढ़ कर के आएंगे तो इनको केवल अपना बिजनेस केवल चलाना रहता है, अपनी फैमिली का बिजनेस। इनका फैमिली बिजनेस ही था जो इनका डूब गया है। अब इस लॉकडाउन में पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ, चलिए बताती हूँ। इनकी हथेली पर जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर इनकी फिंगर देख रही हूँ, उंगली देख रही हूँ, उंगलियाँ इनकी जितनी भी हैं सारी गठी गठी हैं, ठिगनी टाइप की हैं, जितनी भी उगनी हैं उंगलियां हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पैसा तो होता है लेकिन ऐसे जातक जो है बहुत ज़्यादा कंजूस भी होते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अगर पैसा चाहिए होगा तो पैसा मार लेते हैं, ऐसे लोगों को, मजदूरों को, श्रमिकों का भी पैसा मार लेते हैं ऐसे जातक। ये मोस्टली लोगों के हाथ पर ऐसे देखा गया है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं अपने छोटे वर्कर जो इनके काम कर रहे होते हैं उनका पैसा ऐसे जातक ज़रूर मारते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे फिंगर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पे जो सन माउंट की जो फिंगर है बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ऐसे लोगों को नियम रूल्स बहुत सख्त होते हैं, रूल्स पे ही, इनके नियम पे ही सारा काम होना चाहिए। घर पर भी इनका पूरा डिसीजन इन्हीं के ही, ऐसे जातकों के खुद ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया था ये बिजनेसमैन है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बुद्ध का जो माउंट है, बुद्ध पर्वत पर यहाँ पर कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बुद्ध के माउंट पे। जितनी भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं इससे ये पता चलता है कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और इसका जो है जिनकी जो कंपनी इनकी जो चल रही थी बहुत समझदारी से चला रहे थे। इनकी सोच बूझ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तर्क शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बिजनेस को और आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं, हार नहीं मानते हैं ऐसे जातक। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य का जो माउंट देख रही हूँ, सूर्य के माउंट पे कुछ रेखाएं ऐसे कटी कटी सी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं लेकिन किसी के रूल और किसी के बंधन में नहीं बनते। जो भी इनको प्रोजेक्ट आता है, जो भी आता है, ये खुद ही मतलब डिसीजन लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं ऐसे जातक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी यहाँ पर इनकी हथेली में, ये इनकी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, बिल्कुल शार्प है, कोई भी रेखा काट नहीं रही है। और यहाँ पर इनकी ये जीवन रेखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गई है। और ये इनकी यहाँ से एक लाइन चल रही है। इनका जो बिजनेस है अब्रॉड में भी होगा, ऐसे जातकों का बिजनेस अब्रॉड में भी रहता है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा का यहाँ पर पॉइंट देख रही हूँ, चंद्रमा से कुछ रेखाएँ ऐसे से जा रही हैं, काट रही हैं, चंद्रमा के भी पॉइंट पर काट रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जातक का जो है बहुत अच्छा विदेशों में भी काम था, जो कि इनकी जो कंपनी अभी जो डूबी है, पहले सबसे कंपनी जो डूबी है पहले उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, माइंड इनकी बहुत ज़्यादा शार्प है, साफ़ सुथरी रेखा है माइंड की, काम को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सके
ये सोच और बुद्धि इनको शुक्र से भी मिलता है, इनकी फैमिली से भी मिलता है, फैमिली से भी इनको जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अभी लेकिन इनका पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पर अभी इनको राहु का जो माउंट है वो दबा हुआ पोजीशन पर मुझे दिख रहा है। ये जो राहु का माउंट बीच में मुझे दिख रहा है, काफ़ी दबा हुआ बीच में दिख रहा है। थोड़ा सा इनको निगेटिविटी आएगी इनके माइंड में, 2 से 3 महीने तक का जो है इनके माइंड में निगेटिविटी आएगी। और निगेटिविटी जब इनकी दूर होगी, अभी निगेटिविटी दूर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको टाइम बताऊँगी, उस टाइम पीरियड पर ही आप अपना दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अभी बिज़नेस आप स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका अच्छा नहीं है। राहु प्लैनेट भी यहाँ पर मुझे अच्छी कंडीशन पे यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके शुक्र माउंट से। शुक्र माउंट से जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शुक्र माउंट में बहुत अच्छी बात ये है कि इनके शुक्र माउंट में यहाँ पर एक तो तिल दिखाई दे रहा है। अगर शुक्र माउंट में किसी भी जातक की हथेली पर तिल होता है, और शुक्र माउंट में मंगल का तो सपोर्ट नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर शुक्र माउंट में काफ़ी सारी रेखाएं जो ऐसे से काट रही हैं और बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही, जितनी भी रेखाएं ऐसे से काट रही हैं इनकी हथेली पर, नीचे जाती हुई डायरेक्शन में भी दिख रही हैं, हथेली पर पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। परिवार से बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पर ये जो तिल दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक कलर का तिल मुझे दिखाई दिया है इनकी हथेली पर। यहाँ पर ये यहाँ पर इनकी हथेली पर एक तिल दिखाई दिया है मेरे को, ये यहाँ पर ये जो तिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तिल ये शो ऑफ करता है कि ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा अनैतिक संबंध भी होते हैं। अपनी घर वाले से तो होते हैं, लेकिन बाहरी लोगों से भी इनको सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे लोग जातक बाहर भी जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि पैसों की पहले इनको कोई भी कमी नहीं थी, बिजनेस इनका अभी डूबा है, ठीक है। यहाँ पे अंगूठे में भी कुछ रेखाएं हैं जो कि मुझे नज़र आ रही है, मैं पूरा भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। इन लोग ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा अफेयर भी होते हैं, अफेयर आपके हैं पूरे 100% हथेली पर मुझे साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और ऐसे जातकों को महीने में 3 महीने में कम से कम इनके कोई ना कोई तो मतलब अफेयर रहते रहते हैं, इनको बिजनेस से ज़्यादा अफेयर्स भी ऐसे जातकों के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी इच्छा शक्ति, यहाँ पर एक अफेयर का एक ये साइन भी यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, यहाँ पर जो कि इच्छा शक्ति पर यहाँ पर एक रेखा ऐसे गई है जो कि पूरा पूरा शो ऑफ कर रही है, पूरा दिखा रही है। जिसको बारीकी से हस्तरेखा का ज्ञान होगा वही इस चीज़ को पकड़ पाएगा। यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर ये शो ऑफ कर रही है, ये दिखा रही है कि ऐसे जातकों के बहुत सारे अफेयर भी रहते हैं। ऐसा जातक सट्टे में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकता है, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकता है, रिस्की होता है, मार्केट पे पैसा डालेगा लगाएगा रिस्की होता है, बट लेकिन उसको रिस्क लेने पर बिल्कुल भी उसके माथे पे सिकन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर इनके हार्ट लाइन देख लेती हूँ, यहाँ पर हार्ट लाइन क्लियर कट है इनकी, बट लेकिन हार्ट लाइन में यहाँ पर एक द्वीप नज़र आ रहा है, ऐसा ये द्वीप नज़र आ रहा है इनकी हथेली पर, बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर दिख रहा है इनकी हथेली पर। हार्ट लाइन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये द्वीप नज़र आ रहा है। फैमिली से कुछ बातें ये छुपाते भी हैं, इनको हार्ट प्रॉब्लम भी आगे चल करके हो सकती है, ठीक है। इनका जीवन स्टार्टिंग में संघर्ष में ज़रूर था। यहाँ पर कुछ रेखाएँ हैं जो कि ऐसे ऐसे यहाँ पर निकल रही हैं, यहाँ से पर भी देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में इनका जीवन संघर्ष में बहुत ज़्यादा था, बट लेकिन अभी जो अचानक से इनके जीवन पे जो दुविधा आई है, शनि का जो माउंट हम लोग देख सकते हैं, शनि महाराज की हथेली पर यहाँ पर एक रेखा जो है बृहस्पति की तरफ जा रही है और एक रेखा ऐसे निकल रही है। यहाँ पे ये शो ऑफ हो रहा है कि तगड़ा नुकसान इनको हुआ है जो कि इनकी जो भरपाई है। ऐसा जातक जो है यहाँ पे ये जो लाइन एक सपोर्टिव लाइन निकली है, इससे ये पता चलता है कि ऐसा जातक 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर फिर से अपना बिजनेस जो है स्टैंड कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। 4 महीने 6 महीने के अंदर वो 25 लाख रुपये अपना खुद का निकाल सकता है, ठीक है, फिर से स्टैंड कर सकता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, साफ सुथरा हथेली पर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और दिख रहा है इनकी हथेली पर, मैं बताना चाहूँगी इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा इनकी ज़्यादा तो इनकी हथेली पर नहीं दिख रही, एक ये आ रही है और एक इनकी भाग्य रेखा इधर से ऐसे निकली और एक
एक चंद्र पर्वत से एक रेखा नजर आ रही है मुझे, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये एक लाइन जो मुझे नज़र आ रही है अलग से, ये जो लाइन है ये बताती है कि ये विदेशों से ही संपर्क करके दोबारा से अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। ऐसे जातक घबराते नहीं हैं, अभी भी इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और आगे भी चल के अपना बिजनेस स्टैंड करेंगे और दोगुनी तिगुनी रफ्तार से तेज़ी से ये आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ओवरऑल इनके जो हाथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ और दीप भी नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ऐसे 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 नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पर बीच में। ऐसा जातक जो है हसमुख भी होता है, थोड़ा सा हंसने हंसाने वाला भी होता है फैमिली को, ठीक है। चलिए आज का विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऐसा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा हस्तरेखा के प्रति, ठीक है। जो लोग भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो लोग अपने दोनों हाथों का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट फीस जो है 500 रुपये दोनों हाथों का फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, आपको हैंड एनालिसिस करके बताया जाएगा फ़ोन के द्वारा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा नीचे जा कर के प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, राधे राधे।